स्वागत है मेरे चैनल बी ऑब्सेस्ड में. मैं हूँ सुमाना और आज का हमारा जो वीडियो है वो है होली स्किन केयर टिप्स के बारे में. यस, क्योंकि आप लोगों में से किसी ने मुझे ईमेल किया है ये पूछते हुए कि प्लीज़ कुछ प्री और पोस्ट होली स्किन केयर टिप्स बताइए. तो इसके लिए मैंने सोचा ये अच्छा टाइम होगा कि मैं आप लोगों को बता दूँ. और मैं जो भी टिप्स बताऊँगी वो ईजिली आपके घर में ही अवेलेबल होगा, हालांकि एक दो चीज छोड़ के. तो शुरू करने से पहले ये वाला वीडियो मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ हैप्पी होली. लेट्स हैव अ बिट ऑफ फन टिल आई डाउनफॉल माय लव इफ यू फील लाइक आई डू राइट नाउ. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहला क्या करना है. सो टिप नंबर वन, आपको दही से आपका स्किन अच्छे से मसाज करना है. जैसे कि आपका फेस, आपका अगर सेंसिटिव स्किन है या ड्राई स्किन है कोई भी, सिर्फ दही, दही तो घर में होगा ही यार, तो थोड़ा सा दही लेना है और आपके स्किन को अच्छे से ऐसे सर्कुलर मोशंस में मसाज करना है होली खेलने जाने से एटलीस्ट एक घंटा पहले. ठीक है, पहला कर्ड यूज करके अच्छे से मसाज करना है, उसके बाद आपके फेस को वॉश करना है और ये मसाज आपको 5 मिनट्स तक करना है, उसके बाद आप वॉश कर सकते हो. जो दूसरा टिप है वो है आपको उसके बाद अच्छे से आपके स्किन पे सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा. यस, सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप धूप में होली खेलोगे, आपके ऊपर पानी आएगा, तो ऐसे हो सकता है कि आपके स्किन बर्न हो सकती है. तो इसके वजह से सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे मैं दो सनस्क्रीन रेकमेंड करूँगी. एक है शहनाज हुसैन का ये वाला. प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हो. और दूसरा जो है वो है लोटस का. ठीक है, पर सनस्क्रीन लेते वक्त ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये SPF 70 के ऊपर हो या फिर SPF 50 के ऊपर हो, और PA उसके बाद जो 3+ साइंस है वो ज़रूर होना चाहिए. ऐसे होना चाहिए, 3+ साइंस होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ये सनरेज को एक्चुअली ब्लॉक करता है रियल मायने में. तो इसके लिए ये वाला, ये दो मैं रेकमेंड करती हूँ क्योंकि ये दो मैं यूज़ करती हूँ और ये वाटरप्रूफ भी है और इससे मुझे स्किन पे कोई भी इरिटेशन या बर्निंग कुछ भी नहीं होता. दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगी आप लोगों को वो है, तीसरी चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी वो है कोकोनट ऑयल. ये देखिए, ये कोकोनट ऑयल. ठीक है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, चाहे तो आप वहाँ से ले सकते हो. अगर आपके घर के पास है या घर में अवेलेबल है तो वो भी यूज़ कर सकते हो. तो ये कोकोनट ऑयल क्या करेगा, आपको अपनी बॉडी में अच्छे से लगा लेना है धूप में जाने से एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले. आप इससे अगर अच्छे से अपनी पूरी बॉडी पे लगा लोगे तो जब आप धूप में जाके कलर्स के साथ खेलोगे ना, तो वो कलर्स आपके बॉडी में स्टिक नहीं करेगा और वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑयल का एक कोटिंग होगा आपके पूरे स्किन पे, तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा. इससे आपकी स्किन पे ज़्यादा देर तक कलर टिकेगा नहीं. और जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप ड्राई रंगों के साथ खेलें और ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें, क्योंकि जितनी बार आप कलर गीला पानी में जाओगे और कलर्स को गीला करोगे उतना ही डार्क स्टेन होता जाएगा आपके स्किन पे. अगर आप ड्राई कलर्स के साथ खेलोगे तो वो ईजी होगा क्योंकि वो कोकोनट ऑयल पर चिपकेगा भी नहीं और वो जल्दी से निकल भी जाएगा. तो चौथा जो है, आप जब जाओगे ना धूप में होली खेलने से पहले, पता है कि सबको अच्छा नहीं लगता है ये, लेकिन इससे क्या होगा, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सेफ होंगे. और वो है ये कि आपको सेम कोकोनट ऑयल आपके हेयर पे अच्छे से मसाज कर लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मसाज करके पूरा एकदम यहाँ से रूट से लेके एकदम टिप तक पूरा अच्छे से डुबो के तेल में मसाज करना है. इससे क्या होगा, जब आपके बालों पे रंग लगेगा तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा और हार्म नहीं कर पाएगा, ड्राई नहीं कर पाएगा आपके बालों को. तो जैसे ही आप आओगे, तो ये तो था आपका होली खेलने जाने से पहले क्या करना है. तो अब मैं आपको बताती हूँ होली खेलने
खोए यू नो होली जब आपका हो जाए, रंग लगाना सब कुछ हो जाए, उसके बाद जब आप घर पे आते हो तो आप सोचते हो अरे यार इतना रंग है इसको निकाले कैसे। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आप होली खेलने जाओ तो आपको आपके नेल्स का भी बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है, तो मेक श्योर कि आप लोग कोई डार्क नेल पेंट लगा ले, जैसे मैंने अभी लगाया हुआ है ऐसा ही कुछ कलर का डार्क नेल पेंट अगर आप लगा लोगे तो वो उससे क्या होगा कि वो रंग जो है वो आपके नेल्स को ख़राब नहीं कर पाएगा और आपके नेल्स पे स्टिक नहीं करेगा। तो एक दिन के लिए चाहे आप डार्क नेल पेंट लगाते हो या नहीं, बट एक दिन के लिए अगर आप लगा लोगे तो आपके नेल्स बहुत ज़्यादा क्लीन लगेंगे बाद में जब आप उसको निकाल दोगे। ओके, अब तो हो गया ये यू नो खेलने जाने से पहले आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। अभी बात करते हैं जब आप होली खेल लोगे पूरा दिन, उसके बाद जब आप घर आओगे तो आपको ये रंग निकालना होगा, तो फिर आपको क्या करना है। तभी तो बहुत बड़ा हेडेक होता है कि यार अभी ऑफिस भी जाना है या किसी को कॉलेज जाना है कुछ, और मेरे पूरे चेहरे पे बालों में रंग है और कैसे जाऊंगी। तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी एक बहुत ही माइल्ड शैम्पू, क्योंकि आप पूरा दिन आपको ध्यान रखना है, आपने धूप में खेला है, होली, इतने सारे कलर्स, पानी, सब कुछ है आपके बालों में, स्किन पे, तो आपको कोई भी चीज़ जो यूज़ करो वो मैंडेटरी होना चाहिए कि वो बहुत ही लाइट हो और हर्बल हो। तो जितना हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे उतना बेनिफिशियल होगा। तो ये है, आप एक ये शैम्पू यूज़ कर सकते हो, ये है बायोटिक का बायो केल्प प्रोटीन शैम्पू फॉर फॉलिंग हेयर इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट, ये वाला शैम्पू जब आप आओगे ना इसको यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपका हेयर डैमेज हुआ है तो ये प्रोटेक्ट करेगा उसको, और ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, इसको आप 2 से 3 बार लगा सकते हो यू नो वॉश करते वक्त, तब तक पूरा कलर भी निकल जाएगा और बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है ये, और ये आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो हेयर फॉल के लिए, तो इससे हेयर फॉल भी कम होता है। और दूसरा वाला जो है वो है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा ग्रीन एप्पल फ्रेश डेली प्यूरिफाइंग शैम्पू एंड कंडीशनर। अगर ये वाला आप लगाओगे तो इसमें आपको तो कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाला बहुत ही अच्छा शैम्पू है, इसे पूरा क्लीन भी करता है, बहुत माइल्ड है और बिल्कुल भी कलर या कुछ भी डर्ट नहीं रहता है। तो ये दो शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो। ओके, रही बात अभी बॉडी में तो आपका पूरा कलर लग ही चुका है, तो आप माइल्ड कोई स्क्रब यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप यू नो चावल का आटा आप ले सकते हो, 1 चम्मच चावल का आटा, उसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस मिलाओ और उसमें गुलाब जल मिलाओ, उसको स्क्रब बनाओ अच्छे से, और वो वाला स्क्रब से अच्छे से आप अपना फेस ऐसे स्क्रब कर सकते हो, उससे क्या होगा जो रंग बैठा हुआ है वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। उस दिन कोशिश कीजिए कि आप साबुन ना लगाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि साबुन से आपके बॉडी में एलर्जी हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, तो इसके वजह से मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग उस दिन साबुन ना लगाएं और ऐसा स्क्रब बना लीजिए चावल के आटे से, या फिर आप बेसन के आटे से भी बना सकते हो, जैसे कि बेसन का आटा डाल दिया, उसमें थोड़ा सा हनी डाल दिया और उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दिया, मिला के पूरा अच्छे से स्क्रब करोगे तो पूरा जो आपका टैन है और जो रंग है वो अच्छे से निकल आएगा। लेकिन वो स्क्रब आपको एटलीस्ट 5 to 10 minutes करना पड़ेगा। तो क्या आपका बॉडी जो है पूरा हाथ वगैरह हर जगह पे आप अच्छे से वो स्क्रब यूज़ करोगे तो आपका ऑलमोस्ट 90% कलर निकल आएगा। ये 2 दिन यूज़ करोगे तो कलर बिल्कुल ही निकल जाएगा। तो ये थे मेरे टिप्स जो मैं प्री और पोस्ट होली बताना चाहती हूँ। और हाँ, और 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइटल टिप्स है कि एक, जब आप होली खेलने जाओ तो ज़रूर से आप गॉगल्स या शेड्स या चश्मा कुछ भी हो उसे पहन के खेलिए, ताकि आपकी आँखों में कलर ना जाए। और दूसरी बात, अगर आपको कोई बंडाना या कुछ ऐसा कुछ आप यूज़ करते हो तो उससे भी आप अपने बालों में ऐसे बांध सकते हो, स्कार्फ जो होता है उसको भी बांध सकते हो, तो उससे भी आपका जो बाल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। और आपको अच्छा सा एक हाई पोनी बना के खेलना चाहिए, तो उससे क्या होगा आँखी चटानी में आपके बाल भी नहीं टूटेंगे और ना ही ज़्यादा आपके बाल को नुकसान होगा। तो ये थे मेरे सारे टिप्स, आप लोग होली इन्जॉय कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों का होली कैसा था और कैसे कैसे आप लोगों ने इन्जॉय किया।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं सुमाना बी ऑब्सेस से आज साइन ऑफ करती हूँ, मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक खूब सारा रंग लगाइए, दोस्तों को खूब सारा रंग में खुद भी रंगिए और अपने आप से प्यार करते रहिए। बी ऑब्सेस्ड अबाउट योरसेल्फ।